काफी लंबे अरसे और इंतजार के बाद वो रात आखिर आ ही गई जब रानी और आदित्य चोपड़ा हमेशा के लिए एक हो गए। दोनों ने शादी के बंधन में बंधकर एक दूसरे का जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें भी खाई। अपने प्यार और शादी के सवालों पर खामोश रहने वाला ये कपल आखिरकार शादी के बंधन में बंध ही गया। अपनी शादी की खबर के साथ ही उन्होंने जुबान खोली और भगवान और अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया, साथ ही अपनी नई जिंदगी के लिए दुआएं भी की। इक्कीस अप्रैल की रात इटली में हुई शादी में कुछ मेहमानों ने ही शिरकत की। रानी मुखर्जी ने अपनी शादी को एक परियों की दास्तान का नाम दे डाला। इस लम्हे को जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा बताया। गौरतलब है कि रानी के पापा राम मुखर्जी की तबीयत खराब होने के मद्देनजर दोनों ने अचानक शादी का फैसला किया। खैर, रानी और आदित्य की शादी की खबर मिलते ही उनके फ्रेंड्स और फैंस की तरफ से मुबारकबादी का सिलसिला शुरू हो गया। कई बॉलीवुड सेलेब्स ने फोन और सोशल नेटवर्किंग साइट पर विश करके उनकी खुशियों में शिरकत की। चलिए हम भी यही दुआ करते हैं कि इन दोनों की नई जिंदगी और साथ हमेशा खुशियों से बना रहे। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई।